आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये भविष्य के उन काले सच को दर्शाने की कोशिश करता है जिसका कई लोगों को अभी तक अनुमान नहीं है, क्योंकि जल्द ही इंसान का भविष्य कुछ ऐसा ही होगा। फिल्म की शुरुआत में ब्राउन की आंखें किसी पॉड में खुलती है जिसे एआई कंप्यूटर ने पैरालाइज कर दिया और वो उसे अपडेट करती है कि सिस्टम में खराबी आ जाने के कारण सिस्टम अब डिफॉल्ट सेटिंग्स पर स्विच हो गया है। इसीलिए जब तक वो करेक्ट पासवर्ड नहीं बताएगा तब तक उसके ही एंटरटेनमेंट के लिए उसे सीरीज ऑफ शॉर्ट फिल्म देखनी पड़ेगी, पर इससे उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पावर भी ड्रेन होगा। बेचारे को पासवर्ड पता नहीं होता, वो चीखता चिल्लाता रहता है पर कंप्यूटर मूवीज दिखाना नहीं बंद करती और अब मूवी उसकी सीरीज ऑफ पहले साइफाई हॉरर शॉर्ट फिल्म की तरफ मुड़ जाती है, जहां एक एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के विस्फोट में अंतरिक्ष में इजेक्ट हो जाती है। वो लाख कोशिश करती है मदद बुलाने की पर किसी को सुनाई नहीं देता। ऑक्सीजन खत्म होने का डर उस पर सवार होने पर वो जल्दी बेहोश हो जाती है। कई घंटों तक इन्फिनिटी अंतरिक्ष में ड्रिफ्ट होने के बाद उसकी आंखें खुलने पर उसके ठीक सामने धरती जैसा प्लैनेट नजर आता है, पर जल्द ही उसे समझ आता है कि वो धरती से कई बढ़कर अब वो एक वार्म होल में बदल कर उसका गुरुत्वाकर्षण उसे अपने तरफ खींचने लगता है। वार्म होल में समा जाने पर लंबा सफर तय करने के बाद उसके दूसरे छोर और भी अद्भुत सेंटियन एंटिटी कॉल्ड नेबुला नजर आता है, जिसमें भी वो फिर से खींचे जाने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब एक एस्ट्रोनॉट की जिंदगी का सबसे भयानक डर वो किसी अनजान गैलेक्सी में हजारों एस्ट्रोनॉट के बीच खुद को खोया पाती है। मानो ये एस्ट्रोनॉट का वो कब्रिस्तान हो जहाँ सभी भटकते एस्ट्रोनॉट्स यहीं हमेशा के लिए खो जाते हैं। और अब ये शॉर्ट फिल्म उसकी चीख के साथ दूसरे फिल्म की तरफ मुड़ जाती है। इस समय में यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल वॉर के कारण चारों तरफ पॉइजन फैल गया, इसलिए बिना मास्क के सर्वाइव करना नामुमकिन है। और इस राज्य में अब एक नए सरकार कॉल्ड द ईडन के पास अब सब कंट्रोल है, जो क्योर के खोज में लोगों पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए एक उग्रवादी ग्रुप कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द एपोकलिप्स ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिनका मानना है कि इस एपोकलिप्स युग में किसी को किसी पर राज करने का हक नहीं है। इसलिए ग्रुप का लीडर प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने के लिए मिलिट्री के बेस में ईडन के हेडक्वार्टर्स घुस जाता है। इस आड़ में कि उसने उग्रवादी ग्रुप का एक साथी और उस फीमेल के बेटे और भाई को भी खोज निकाला जिन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं क्योर का पता करने के लिए, क्योंकि उनका शरीर रहस्यमय कारण से पॉइजन से इम्यून है। अब जैसे ही दोनों साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट के नजरों से निकलते हैं मिशन का पहला अटैक वो कैदी खुद को डेटोनेट कर देता है। वहीं ईडन के साइंटिस्ट क्योर की तलाश में उनके नए सीरम से सब्जेक्ट में साइड इफेक्ट्स के कारण वो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, पर जब तक ग्रुप उस फीमेल को बचाए वो तब तक साइड इफेक्ट्स के कारण अब ज़ॉम्बी में बदल गई होती है जिसने सभी को कच्चा निगल लिया। उसे अब रेस्क्यू करना नामुमकिन, इसलिए बाकी दोनों प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ग्रुप लीडर ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। प्रेसिडेंट इस हमले से बेखबर वो अपने क्लीन एयर कंपार्टमेंट में भाषण की तैयारी में होता है कि यहां दोनों प्रेसिडेंट के खोज में छोटे के लिए रास्ता साफ करने के लिए उसमें से एक खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। ज़ॉम्बी भी एक एक करके सभी को अपना शिकार बनाने लगती है, पर अब भी उसमें थोड़ी इंसानियत बाकी, वो अपने बेटे को चोट नहीं पहुंचाती, जो प्रेसिडेंट को बिना पता लगे उसके एयर टाइट चेंबर में छेद कर देता है, जिससे अब वो लाइव टेलीविजन के सामने पॉइजन के कारण वहीं ढेर हो जाता है। और उस बच्चे के लाइव टेलीविजन पर ऐलान करते ही कि अब उन्हें कोई कंट्रोल नहीं करेगा से मूवी अगले शॉर्ट फिल्म की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ ये समय है जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान का फोन बटनलेस अब पूरी तरह से एआई में बदल गया, जो एक इंसान की तरह अपने ओनर से इंटरैक्ट कर सकता है। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर नेम डेव किसी की लाश गाड़ने कहीं निकला नजर आता है, पर उसे ये याद नहीं रहता कि उसका फोन एआई पावर्ड आयरिस को उसके अपराध का सब पता चल गया, इसलिए वो उस पर उंगली उठाते हुए उसे बार बार बुरा फील करवाने की कोशिश करती है कि वो जो भी कर रहा है वो सही नहीं है। पर डेव को अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती और लाश की तस्वीर लेकर इवेंचुअली उसे गाड़ देता है। पर आयरिस उसे एक बुरी खबर देती है कि जो तस्वीर उसने ली वो ठीक से सेव नहीं हुई, इसलिए उसे फिर से लेना होगा इससे पहले कि उसका 10% बैटरी खत्म हो जाए। अब ये सुनते ही डेव का दिमाग एकदम चमक जाता है, क्योंकि यदि उसने तस्वीर नहीं लिया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए चुपचाप खोदने लगता है। पर इवेंचुअली पसीने बहाने के बाद जब वो फोटो लेने की कोशिश करता है तो कैमरा ही काम करना बंद कर देता है, जिससे उसका माथा और भी फिर जाता है और गुस्से में
फोन खाई में फेंक देता है। पर फोन की गिरती आयरिस क्लेम करती कि उसका कैमरा काम करने लगा और वो अब भी तस्वीर ले सकता है, इसलिए उसे जल्द से जल्द फोन रिट्राइव करने की विनती करती है इससे पहले कि उसका बैटरी खत्म हो जाए। डीएव के पास और कोई चारा नहीं, इसलिए अपनी जान खतरे में डालकर फोन की तरफ बढ़ता है, पर पैर फिसल जाने के कारण उसे गहरी चोट लग जाती है और अब वो तुरंत आयरिस को पैरामेडिक्स कॉल लगाने का कमांड देता है। पर आयरिस एक शर्त पर ऐसा करने को तैयार होती है, यदि वो अपना अपराध कानून से कन्फेस करे, क्योंकि उसके हिसाब से उसके जैसे लोगों को रोकना जरूरी है। वो तो इस उम्मीद में थी कि वो गिरकर मारा जाए, जिससे हमें अब समझ आता है कि कैमरा का काम ना करना आयरिस का ही चाल था। पर डेव ऐसा करने से इनकार कर देता है और तब तक फोन स्विच ऑफ हो जाता है और अंत में वो वहीं सड़ने के लिए फंस जाता है। अगला फिल्म वो समय है जब सर्वाइव करने के लिए इंसान साइबरनेटिक का सहारा ले रहा है, इंसान में मशीन की खूबी डालना। पर एक हैंडीमैन एकदम अलग मशीन के इमोशन को समझने के लिए कि क्या लोहे से बने मैकेनिकल पार्ट्स भी इंसानों के तरह इमोशंस रखते हैं, इसे समझने के लिए उसने साइबरनेटिक का उल्टा वर्जन मशीन में ही इंसान का टिश्यू ट्रांसप्लांट कर दिया, जो एक्चुअली में इंसानों के तरह रिएक्ट और खाने पीने के बाद वेस्ट प्रोड्यूस करने लगता है। पर कुछ बदमाश जबरदस्ती उसके घर में घुस आते हैं और उसके लिविंग प्रोटोटाइप से दुर्व्यवहार करने पड़ते हैं। पर हैंडीमैन की मुश्किल में पड़ने पर वो मशीन अपने क्रिएटर को बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फायर करके बदमाशों के एटम्स को डिसइंटीग्रेट करके उन्हें खत्म कर देती है, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल रहा कि मैकेनिकल मशीन में भी इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं। अगला फिल्म और भी घिनौना, ये वो इंसान का भविष्य का प्रोजेक्शन है जब धरती जीने लायक नहीं रही, नदियां सूख गए और अब प्रकृति की खूबसूरती एग्जिस्ट नहीं करती, जब इंसान कोलू के बैल की तरह काम करते करते सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया और अब इंसानों को उनके मन की जिंदगी जीने के लिए अपने सिर पे कनेक्टेड उन ट्यूब के मदद से वर्चुअल रियलिटी में अपनी खुशी ढूंढ सकता है, जो इंसान के हर सेंसेस को कंट्रोल करता है, जो एक नशे की तरह इंसान उसके पकड़ से कभी छूट नहीं सकता। अगले फिल्म से ये सीख मिलती है कि जिस तरह से महिलाओं को ट्रीट और कई देशों में उनका अबॉर्शन किया जाता है, वो दिन दूर नहीं जब उनका अस्तित्व धरती से लुप्त हो जाएगा। ऐसी मजबूरी पैदा हो जाएगी जब इंसान के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए पुरुषों को अपने पेट से बच्चा पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में दो लोग सफल होने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें हार्ड वे से समझ आता है कि आखिर एक माँ को कितना भयंकर दर्द से गुजरना पड़ता है और सिर्फ एक माँ की कोख ही एक लाइफ को जन्म दे सकती है। मूवी के आखिरी शॉर्ट फिल्म में एक स्पेसशिप टेक्निकल मैलफंक्शन के कारण अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है, जिसे फिक्स करने के लिए उन्हें इंजीनियर एलेक्स को क्रायोजेनिक स्टोरेज से जगाना पड़ता है। उनसे एलेक्स को बुरी खबर मिलती है कि उनका स्पेसशिप एस्टेरॉयड से टकरा जाने के कारण उनका मेन इंजन बंद पड़ गया और कम्युनिकेशन की सुविधा भी अब पूरी तरह से ठप पड़ गई, इसलिए वो रेस्क्यू के लिए भी मदद नहीं बुला सकते और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना होगा, वरना जल्दी उनका फूड सप्लाई खत्म होने पर वो भूखे ही मारे जाएंगे। पर एलेक्स के कम्युनिकेशन डिवाइस को चेक करने के बाद उसे समझ आता है कि किसी ने पहले ही उससे कितनी बार छेड़खानी की है, वहीं वो दोनों को किसी कारण से लड़ते भी ऑब्जर्व करता है। यहाँ सच में जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए तुरंत सीक्रेटली क्रायोजेनिक डेटाबेस चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उससे पहले उसकी पत्नी के और भी कई क्रायोजेनिक स्टोरेज को ओपन किया गया है जो पूरे शिप में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ऊपर से डैन उसके तरफ गन लेकर बढ़ रहा होता है, पर एलेक्स उसे ओवरपावर करके सेल्फ डिफेंस में उसे ढेर करने में सफल हो जाते हैं। गन की नोक पर फिल को धमकाने पर अब वो कड़वा सच रिवील करता है कि दरअसल स्पेसशिप पिछले 6 महीने से ड्रिफ्ट में चला गया और मदद बुलाने का कोई चारा नहीं बचा, इसलिए जब उनका फूड सप्लाई खत्म होने लगा तब उन्हें सर्वाइव करने के लिए पैसेंजर्स को क्रायोजेनिक स्टोरेज से जगाकर उनका शिकार करके उनके मांस से अपनी भूख मिटानी पड़ी और जो मांस उसने कुछ देर पहले खाई थी वो उसके पत्नी की ही थी। अब इससे पहले कि एलेक्स इसके बदले उसकी जान ले वो उसे स्टैप कर देता है, पर एलेक्स उसे भी ओवरपावर करके उसे मार देता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और बिना खाने पीने के अब एलेक्स के भी दिमाग में सर्वाइव करने के लिए वही विचार आने पर वो भी बचे हुए पैसेंजर्स के मांस पर सर्वाइव करने का तय करता है, जिसकी कहानी यहीं खत्म होने पर अब मूवी ओरिजिनल प्लॉट की तरफ मुड़ जाती है। अब ब्राउन फाइनली सही पासवर्ड बताने में सफल हो जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि उसके लाइफ सप्लाई का पावर जल्दी खत्म होने वाला है और मूवी के आखिरी में हमें पता चलता है कि वो भी क्रायोजेनिक स्टोरेज में कहीं कैद, शायद उसका भी सेम हशर होगा जो उस एस्ट्रोनॉट का हुआ था, और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।